नमस्कार दर्शक बंधु, मैं दीपक होलीवाल। आप देख रहे हैं लवलीवुड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने बर्ड्स का खूब अच्छे से ख्याल रखोगे, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है जिसमें बर्ड्सों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। वायरस बहुत गंदा फैला हुआ है बर्ड्सों में, चिक्सों में खासकर। बरसात के टाइम मच्छर मॉस्किटो बहुत ज़्यादा एग लेयर करते हैं, जिनमें से बच्चे निकल के बहुत सारे गंदगी फैला रहे हैं। इसी की वजह से परिंदों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो गाइस, मैं ये 5 पेयर लेके आया था लो बट के। आपने पहले वाली वीडियो में देखी होगी, मैंने दूसरे वाले बड़े केज में रखे थे। जब मैं लाया था, 5 पीस में से 4 पीस को इन्फेक्शन हो रहा था। एक अडल्ट अडल्ट की तरफ जा रहा था, बाकी ये चिक्स है 4, एक एल्बिनो का है और बाकी लोटिनो 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 पोस्टनाटा है, चिक्स है ये सारे। तो गाइस, इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, आप देख रहे होंगे। इनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, आप देख सकते हैं इनके आंखों में। ये देखो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है गाइस। तो इसका आज ट्रीटमेंट करेंगे और बताऊंगा कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या क्या चाहिए होता है इसमें हमें ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस, कुछ ये चीज़ें हैं। इस ट्रीटमेंट में बहुत सहायता देंगे ये बर्ड्स को ठीक करने में। एक ये है बोरिक एसिड है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे यूज़ किया जाता है बोरिक एसिड। और ये एक मार्केट्स में अवेलेबल है, कोई भी मेडिसिन वाली दवाई से मिल जाएगा, केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा पाउडर होता है, ये बोरिक एसिड कहते हैं, 20 रुपये का मिल जाएगा ये। और इसे रोज़ वाटर में देना है, ये रोज़ वाटर है जिसे कहते हैं गुलाब जल बोलते हैं हिंदी में। और एक ये आई ड्रॉप है, फ्लो जेल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है ये गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। फोकस नहीं हो रही है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, तो आप वहां से ले लीजिए। और एक ही दवाई है, डॉक्सलीन 100 mg की है ये, डॉक्सलीन टेबलेट। ये एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना पड़ता है परिंदे को, क्योंकि इनके जो आईज में इन्फेक्शन हो रहा है मॉस्किटो काटने से, वायरस फैला हुआ है मॉस्किटो आईज में। ये आई ड्रॉप और ये बोरिक एसिड और गुलाब जल तो काम कर जाएगा, मगर इनमें जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इनकी बॉडी पेन करती है और जो वायरस का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी दवाई है जो एंटीबायोटिक दवाई है, जो इनका फीवर होता है इसको मेंटेन कर जाता है, हटा जाता है एकदम, परिंदे को काफ़ी सही कर जाता है। क्योंकि परिंदा ऐसी परेशानी में खाना पीना छोड़ जाता है दिन पर दिन, वायरस इसकी बॉडी को एक्सेप्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये परिंदा कमज़ोर होते जाते हैं। धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देंगे और इनका आँखों का इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता जाएगा, और कमज़ोरी के चक्कर में ऐसा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन, ये दोस्त ये डेली हमें 5 दिन का कोर्स कराना है, डेली सुबह मॉर्निंग में रात में पानी। आप ऐसा करना कि रात में पानी इनका निकाल देना है, ताकि सुबह में जब पानी पियेंगे फर्स्ट टाइम, तो एक कैप्सूल है 1 लीटर वाटर में डाल के देना है। इनके साथ और भी परिंदे हो तो सबको कोर्स करा देना है, ताकि वायरस किसमें फैले ना और
जब भी ऐसा वायरस आता है तो परिंदों को अच्छे परिंदों से अलग कर देना है। जो बीमार परिंदे हैं जिनके आंखों में इन्फेक्शन आ रखा है उनको साइड कर देना है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ किया जाएगा ये। मैं इस टाइम अकेला हूँ तो अकेले ही वीडियो बनाता हूँ। मैंने आपको बताया होगा कि मैं हमेशा अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाएगा। गाइस तो ऐसा कोई भी ढक्कन ले लेना है, उस ढक्कन में ये रोज वाटर डाल देना है। इतने रोज वाटर डालो जितने आवश्यकता हो ताकि फेंकना ना पड़े, हमें वेस्ट जाना नहीं चाहिए। और ये बोरिक एसिड लेना है थोड़ा बहुत। थोड़ी सी मात्रा में बोरिक एसिड डाल लो, जिससे आइस क्लीन करनी पड़ती है बोरिक एसिड से परिंदों की। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है ये बोरिक एसिड का उपयोग। और साथ में कॉटन भी रखनी है गाइस, कोई भी कॉटन ले लो। मैं हमेशा इसमें एक कॉटन रख रखी है, जब भी जरूरत पड़े तो इसमें से ले लूँ। वैसे एकदम पैक करके रख देना है किसी डब्बे में बढ़िया। ये तो आपको मैंने बताई दी होगी कैसे करना है। मॉर्निंग में डेली 100 mg की है ये, 1 लीटर वाटर में। और ये जब आई ड्रॉप भी डालना है, जब इसकी आई आई इससे क्लीन कर बोरिक एसिड और रोज़ वाटर से क्लीन करी जाए इनकी आईज। थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। ये डेली करना है परिंदे की आँखों में बोरिक एसिड और आई ड्रॉप सुबह शाम का कोर्स है ये। ये सारे मेडिसिन दवाई एब्जॉर्ब कर रही है सारी, वो ये एक दो बार ऐसे कर लो। और ये आई ड्रॉप डालना है लास्ट लास्ट में आँख क्लीन करके। फ्रेंड्स जब भी परिंदे पकड़ता हूँ तो मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि काट लेते बहुत तेज की। तो आपने देखा होगा इसकी आंख में कितना इन्फेक्शन हो रहा है। और बोरिक एसिड और इससे इसकी आंख आइस क्लीन करनी है। ये सुबह शाम का कोर्स है बोरिक एसिड और आई ड्रॉप डालने का, एकदम क्लीन करनी है, क्योंकि इसकी आंखों की तरफ जो मॉस्किटो ने आराम आराम से क्लीन करने गए। कोई जल्दबाजी नहीं करना जो कि परिंदे की आंखों में लग जाए।
गाइस इसकी आंखें ऐसे क्लीन कर देनी है बोरिक एसिड और रोज वाटर से, खूब मार दे, सुखा देना है। और ये आई ड्रॉप है गाइस, रोज वाटर फ्लो जेल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है ये, 10 ml का है, मैं 20 rupees का लाया था गाइस, 20 का नहीं गाइस, ये 147 का लाया था मैं। तो एक बूंद इसकी आंखों में डाल देनी है ये, इनको हमेशा प्लग झपकानी जरूरी है ताकि इसकी जो मेडिसिन है इसकी आंखों में चले जाए अच्छी तरह। दो एक सेकंड का पैसा करना है ताकि दवाई इनकी आंखों में रम जाए। ये प्लग के झपका रहा है, जिससे जैसे कि इंसान का होता है वैसे इनका भी होता है, प्लग के झपकाते हैं तो हम भी जैसे हम पलके झपकाते हैं वैसे ही ये पलके झपकाते हैं तो ये जो दवाई है इनकी आंखों में चली जाती है गाइस। अब इसकी आंखों में ये दवाई अच्छी तरह चली गई है तो मैं दूसरी तरफ भी एक दवाई डाल देता हूँ गाइस। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना गाइस, से आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आके जो भी काम करूं आपको बता के करूं, परिंदों का ट्रीटमेंट करूं या कोई भी इनकी इन्फॉर्मेशन दूं। और लाइक मेरी वीडियो को लाइक करना प्लीज़, सब्सक्राइब भी करना अपने फ्रेंडों के साथ और कमेंट में बताना गाइस वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू व्यूवर्स है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके गाइस। आपके सपोर्ट से मैं आके कामयाब होऊंगा तो तरह तरह की वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।